जा रहा हूँ उसकी नकाशी शक है मातृभूमि। मातृभूमि की माटी चंदन आज तिलक लगाए, इस माटी में जन्म मिला यह सोच के हम इतराए। राम कृष्ण ने जन्म लिया खेले गौतम गांधी, वीर भगत सिंह यहीं थे जन्मे चढ़ गए हंसकर फांसी। वीरों की पावन धरती को आप शीश झुकाए, इस माटी में जन्म मिला यह सोच के हम इतराए। दुर्गावती यहीं जन्मी थी झांसी वाली रानी, शादी छक्के दुश्मन के ऐसी थी मर्दानी। जब जब जन्म मिले धरा पे भर तन ही पाए, इस माटी में जन्म मिला यह सोच के हम इतराए। खेतों में हरियाली रहती पेड़ों की छाया, सागर चैन पखाता गीत तेरे माँ गाए। इस माटी में जन्म मिला यह सोच के हम इतराए। मातृभूमि की माटी चंदन आज तिलक लगाए, इस माटी में जन्म मिला यह सोच के हम इतराए। भारत माता की जय। गुड मॉर्निंग। Today, I, Shanika from class 2A, going to recite a poem on motherland. India is my motherland. I want to see my country shine. Farms are green here. There is enough for everyone to dine. Our flag is a tricolor of saffron, white and green. It is a matter of pride for me wherever seen. Lotus is our national flower that grows only in shallow water. It tells us we can bloom. Place does not matter. More colorful than the female is the species male. Our national bird is peacock. It has a long tail. Juicy, delicious, pulpy. It is sweet and sour. Mango is our national fruit. We all want more. Name the lord of jungle, it orange fur looks due to the national animal of India, the tiger I salute. India is my motherland, I want to see my country shine. Farms are green here, there is enough for everyone to dine. Thank you. मेरे वतन।
मेरा सुप्रभात। मैं विराट नारायण सिंह कक्षा पंचमी का छात्र आप सबों के सामने स्वतंत्रता दिवस पर दो शब्द कहने जा रहा हूँ। स्वतंत्रता का 75वां वर्ष, यह सुनते ही हमारे मन में एक अद्भुत सा जोश उमड़ पड़ता है। पवित्र नदियाँ, ऊंचे पहाड़ों एवं वन संपदा से सुसज्जित हमारा यह देश असल में स्वतंत्रता सेनानियों से हमें विरासत में मिली थी। महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद एवं लाल बाल पाल जैसे कई महापुरुषों ने हमारे देश, जिसे सोने की चिड़िया भी कहते थे, उसे अंग्रेजों से आज़ाद किया था। इन 74 वर्षों में भारत ने अनगिनत क्षेत्रों में उन्नति का परचम लहराया है। आज हम राजनीतिक रूप से शक्तिशाली, आर्थिक रूप से मजबूत और सैन्य रूप से प्रबल हैं। हम एक परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। दिन प्रतिदिन हम शिक्षा, चिकित्सा एवं विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। यह सब हमारी प्रगति की चाह एवं हमारे देश प्रेम का ही प्रभाव है। स्वतंत्रता एक देश का सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है। इस दिन प्रधानमंत्री लाल किले पर आकर झंडोत्तोलन करते हैं। झंडोत्तोलन करने के बाद हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश को संबोधित करते हैं। इस दिन हर जगह तिरंगे फहराए जाते हैं, राष्ट्रगान गाया जाता है एवं नारे लगाए जाते हैं। यह दिन हमें उत्साह और देश प्रेम से भर देता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का देश है। भारत वह देश है जिस देश से गंगा जैसी पवित्र नदी बहती है, लेकिन आज भी भ्रष्टाचार, जातिवादी जैसे कई अन्य सामाजिक बुराइयां है। इसी यह सब सुनकर मेरा हृदय कांप उठता है। इसीलिए इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हम सब एकजुट होकर यह प्रण लेंगे कि हम भारत माता के सम्मान के लिए सारे सामाजिक बुराइयों को जड़ से मिटाने का प्रयास करेंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी जवानों एवं भारत माता को नमन करते हुए आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ए मेरे प्यारे वतन, मेरे बिछड़े आपने देखा इन छोटे छोटे बच्चों के मन में अपने देश के प्रति प्रेम और बलिदान की कितनी सशक्त भावनाएं हैं। तो क्या हमारी देश की उन्नति को कोई रोक सकता है? कतई नहीं। इसी विश्वास के साथ पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।